दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। तो दोस्तों CI का एक हम आज बेहतरीन कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप CI के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस में, डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आप इस कॉन्सेप्ट को लगा पाइएगा। जैसे कि रेट दे देता है आपको पूर्णांक में, दशमलव में, तो उस जगह पे आप क्या हो जाते हैं कि इस जो हम जनरल नियम जानते हैं उस नियम से फंस जाते हैं। टाइम अगर दे दिया ठीक है, टाइम अगर दो तीन चार ऐसे करके दे दिया तो मना लेते हैं, लेकिन अगर टाइम पूर्णांक में दे दो तो क्या कीजिएगा, दशमलव में दे दे तो क्या कीजिएगा। तो उस कॉन्सेप्ट को हम आज यहाँ बेहतर ढंग से समझने वाले हैं। अगर क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है तो रेट से हम क्वेश्चंस के किसी भी चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो CI हो चाहे वो अमाउंट हो, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि देखते हैं रेट समझते हैं क्या होता है, ऐसे तो समझ चुके हैं लेकिन अभी फिलहाल समझ लेते हैं क्या है। 100 रुपया पर एक वर्ष में लगने वाला ब्याज, 100 रुपया पर एक वर्ष में लगने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। जैसे कि दो एग्जांपल के थ्रू हम कुछ चीज को समझेंगे यहाँ पर। जैसे कि प्रिंसिपल अगर 100 रुपया हम किसी से लिए और 10% इंटरेस्ट उस पर लग रहा है, इसका मतलब है कि एक साल में हमारा कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, तो एक साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, मतलब 100 रुपया का 10% निकाल दिए तो 10 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा, 10 रुपया क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। अब कहेंगे कि दूसरा साल क्या हो जाएगा, जैसे पढ़ रहे हम चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो क्या हुआ कि एक साल में हमको मिल गया 10 रुपया ब्याज, दूसरा साल में क्या होगा वो समझ लीजिए। दूसरा साल में ये 10 रुपया ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, 10 रुपया ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में इस 10 रुपया का क्या होगा, हमको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी 10 रुपया का क्या पड़ेगा, 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 10% इंटरेस्ट यानी 10% का 1/10 इससे ही कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 रुपया और ब्याज मिलेगा, मतलब टोटल कितना रुपया ब्याज मिल जाएगा, 11 रुपया ब्याज मिल जाएगा। पहला साल कितना ब्याज मिला, 10 रुपया, दूसरा साल कितना ब्याज मिला, 11 रुपया, मतलब 1 रुपया बढ़ कहां से गया, तो बढ़ कहां से जाता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो यहां से कहेंगे कि पहला साल में हमारा अमाउंट कितना था, यानी मिश्रधन कितना था, हिंदी में मिश्रधन बोलते हैं, तो मिश्रधन कितना था, देखिए तो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन में हम क्या करते हैं कि प्रिंसिपल प्लस जो ब्याज होता है, यहाँ ब्याज ब्याज चिल्ला रहे हैं, ब्याज ब्याज कहने का मतलब वहां का CI की बात करेंगे, ऐसा ही नहीं, चैप्टर जब CI पढ़ रहे हैं तो CI की बात करेंगे, ब्याज जब भी हम बोलेंगे तो आपको CI समझना है। यहां से देखिए प्रिंसिपल कितना था, 100 रुपया था, और ब्याज कितना निकल के आएगा पहला साल का, 10 रुपया, तो पहला साल हो जाएगा 110 रुपया ब्याज, समझ गए, पहला साल ब्याज हो गया 110 रुपया। अगला साल तक अमाउंट कितना हो जाएगा सो देख लीजिए, तो 110 रुपया तो पहला साल तक मिल ही रहा था, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 11 रुपया और जुट जाएगा, इसमें 11 रुपया और जुट जाएगा, तो 110 रुपया, 11 रुपया कितना हो जाएगा, 121 रुपया, तो दूसरा साल में अमाउंट कितना हो जाएगा, 121 रुपया हो जाएगा। यहां से क्या समझते हैं, अब एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या, कि अमाउंट हमारा दिया प्रिंसिपल, दूसरा एग्जाम्पल से हम एक और चीज समझते हैं, प्रिंसिपल दिया गया 1000 रुपया और रेट दिया गया 10%, तो 10% मतलब 1/10 होता है, क्योंकि पहला साल का ब्याज बताइए, ब्याज पहले जानते हैं, पहला साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 100 रुपया हो जाएगा, 1000 का 10% 100 रुपया होता है, कहेंगे दूसरा साल का ब्याज बता दीजिए, तो दूसरा साल का ब्याज तो ये 100 रुपया होगा ही होगा, 100 रुपया तो होगा ही होगा, प्लस इस 100 रुपया का क्या होता है, 10% और लगेगा ना, क्योंकि CI में क्या होता है, जब CI पढ़ रहे हैं तो CI में क्या होता है कि ब्याजों पर ब्याज लगता है, तो 100 रुपया तो दूसरा साल में ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, और प्लस में इस 100 रुपया का 10% और लगेगा, तो 10 हो जाएगा 10 रुपया, यानी कुल यहाँ से 110 रुपया हो जाएगा दूसरा साल का ब्याज। तीसरा साल का ब्याज देख लीजिए क्या होगा, तो तीसरा साल में कहेंगे कि 110 रुपया तो ब्याज हमको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 110 रुपया का 10% और ब्याज लगेगा, तो इसका 11 रुपया हो जाएगा, यहाँ से टोटल क्या कह सकते हैं, 121 रुपया हो जाएगा। बात समझ रहे, बिल्कुल समझ रहे, तो पहला साल का ये सब CI, पहला साल का CI 100 रुपया, दूसरा साल का CI यानी ब्याज 110 रुपया हो गया, तीसरा साल का ब्याज 121 रुपया हो गया। कहेंगे अमाउंट बताइए पहला साल का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 1000 था, 100 उसका इंटरेस्ट, 1100 रुपया हो जाएगा, प्लस अब देखिए अब दूसरा साल का अमाउंट बता दीजिए, तो दूसरा साल का अमाउंट क्या हो जाएगा, ई 1000 ये हो गया, आप प्लस का ही 1100 आप प्लस का ही 110 यानी कि 1210 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1210 हो जाएगा। तीसरा साल का अमाउंट कितना हो जाएगा वो देखिए, यहाँ से 1210 रुपया प्लस का 121 जोड़ दीजिए, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 121 में, यहाँ से जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 1331, कितना हो जाएगा 1331, इसको जोड़ दीजिएगा तो 1331 रुपया क्या हो जाएगा, इस सब रुपया के बाद रुपया चलते हैं। चलिए
सीख गए क्या? पहला साल का मृत्युधन हमारा 1100 रुपया हो जाएगा, दूसरा साल का मृत्युधन 1210, और तीसरा साल का कितना हो जाएगा 1331। अगर और हमको कहता कि चौथा साल के बताइए, तो चौथा साल में हमको तो ब्याज 1331 मिलता ही मिलता, प्लस में इसका 10% और मिलता तो ब्याज हो जाता, ब्याज में फिर जो यहाँ पर ब्याज रहता उसको जोड़ चौथा साल का मिश्रण आ जाता। तो इस तरह से क्या सीखे है वो जरा देख लीजिए। 1000 से कितना हो गया, पहला साल की बात करते हैं, 1000 से कितना हो गया 1100 हो गया, 1000 से कितना हो गया 1100 हो गया, देख लीजिए ठीक है। तो इसको काट देते हैं 1010, यानी 10:1 कितना हो जाता है 11 हो जाता है। तो ये एक साल की बात है, ये पहला का साल की बात है। दूसरका साल में क्या देखते हैं, दूसरका साल में देखिए क्या हो गया, 1000 से कितना हो गया 121 हो गया, अनुपात ले लेते कितना हो गया 1210 हो गया, 1010 कट जाएगा, इसको क्या कर सकते हैं ठीक है, ये 100 अनुपात 121 हो गया। तीसरा साल में क्या हो जा रहा है वो जरा देख लीजिए। तीसरा साल में तो 1000 तो था ही, 1000 तो था ही, अब क्या हो गया 1331 हो गया। इस हिसाब से क्या हो रहा है देखिए, तो ये अनुपात में लगेगा, कटे उठेगा नहीं, हो क्या रहा है वो जरा आप गौर से देखिएगा। यहाँ देख रहे हैं कि 10 से 11 हो गया है, यहाँ 100 से 121 हो गया है, 1000 से 1331 हो गया है, यहाँ कुछ इसमें और इसमें कुछ रिलेशन आपको नजर आ रहा है, ये डायरेक्ट 10 का स्क्वायर हो रहा है और इससे इसमें क्या रिलेशन नजर आ रहा है, ये डायरेक्ट 11 का स्क्वायर हो रहा है। अब यहाँ देखिए इसमें इसमें कुछ रिलेशन है, ये दोनों में कुछ रिलेशन है, ये देखते हैं तो 10 का क्यू है और ये क्या है 11 का क्यू है। इतना बात समझ रहे हैं, होता क्या है बेसिकली वो समझते हैं। अब रेट को लेकर के, रेट को लेकर के समझते हैं क्या होता है। जैसे 10% रेट दिया हुआ है, तो 10% रेट का यहाँ मतलब है 1/10, 10% रेट का मतलब है 1/10, यानी क्या कह सकते हैं कि मूलधन अगर 10 रुपया है तो उस पर ब्याज 1 रुपया मिलता है, मूलधन अगर 10 रुपया है तो ब्याज 1 रुपया मिलता है, इसका कहने 1/10 कहने का यह मतलब है। यानी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल अगर 10 रुपया है तो ब्याज कितना मिलता है 1 रुपया, यानी प्रिंसिपल 10 है तो ब्याज 1 रुपया मिलता है, मतलब अमाउंट हो कितना जाएगा, तो 10 से कितना हो जाएगा वो 11 हो जाएगा। इस बात को आप समझ गए, आगे कोई भी क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत नहीं होगा। क्या नहीं होगा देखिए, अगर मूलधन 10 रुपया है तो ब्याज 1 रुपया उस पर मिलता है, 1/10 का मतलब यही है कि मूलधन 10 रुपया तो ब्याज 1 रुपया मिलता है, यानी कि जब मिश्रधन निकालेंगे तो वो 10 में क्या करते हैं, एक जो ब्याज होता है उसको जोड़ देते हैं, तो ये जोड़ दिए। अब यहाँ से क्या होता है, तो अगर ये एक साल की बात करते हैं, अगर हमको 2 साल का निकालना होता है तो 2 साल में क्या होता है डायरेक्ट स्क्वायर होता है, तो 2 साल में 100 हो जाएगा और ये 121 हो जाएगा। तीसरा साल की बात करेंगे तो 1000 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। की बात है तो पावर 1 रहने देते हैं, 2 साल की बात है पावर 2 कर देते हैं, 3 साल की बात है पावर 3 कर देते हैं। इतना बात यहाँ से रिलेशन तो आप समझ गए हैं। एक क्वेश्चन की मदद से हम आप इसको और भी क्लियर करते हैं, कैसे ही क्लियर होगा सो एक क्वेश्चंस की मदद से। देखिए पिछले कॉन्सेप्ट को अगर आप समझे हैं तब भी ठीक है, नहीं समझे हैं तब भी ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चंस की मदद से, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस की मदद से वो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, वो देख लीजिए जरा क्या है क्वेश्चन। कहा कि रेट दिया गया है 12.5%, 12.5% रेट दिया गया है, तो कहता है 3 वर्ष बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या हो जाएगा, ये बात जरा समझ लीजिए। तो पहले सीधा क्या काम कीजिए, 12.5% का कितना मतलब होता है आप निकाल लीजिएगा, 12.5% का मतलब होता है 1/8, 12.5% का मतलब 1/8 होता है। यानी अभी पीछे क्या समझाए थे कि अगर मूलधन 8 है तो उस पर सीआई कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, मूलधन अगर 8 है तो उस पर सीआई कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे अमाउंट कितना हो जाएगा 8 × 1 = 9 हो जाएगा, अमाउंट 8 × 1 = 9 हो जाएगा, यही बात है ना। चलिए ठीक है इतना बात समझते हैं। तो अब हम यहाँ कहें कि मूलधन और मिश्रधन, मूलधन हमको पी अनुपात ये पूछा, मूलधन मिश्रधन का अनुपात क्या हो जाएगा वो जरा देखिए ठीक है। कह देंगे कि मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो आपका हो जाएगा 8:9, इतना तो हो जाएगा। हमसे कहा है 3 वर्ष बाद, तो ई होता है 1 वर्ष का, इतने वर्ष का हुआ तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का है ना, तो हम इसका क्या करेंगे पावर 3 इस पर लगा देंगे, अनुपात हो जाएगा तो ये हो जाएगा 512 और ये हो जाएगा 729, यानी 512 × 700 क्या हो जाएगा 29, किसका मूलधन और मिश्रधन का अनुपात। अब एक और क्वेश्चन हम समझते हैं, ये दर दिया गया है आपको 16.2/3%, तो सीआई ऑफ 7th ईयर और सीआई ऑफ 10th ईयर, मतलब 7वां साल और 10वें साल के बीच के सीआई का अनुपात पूछ दिया है, 7वां साल और
10-12 साल। तो पहले हम निकाल लेते 16.2/3% का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है 1/6, मतलब 6 से कितना हो जाएगा, 6 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी अब देखिए तो ये तो एक साल की बात, ये जो आता है वो एक साल की बात हो जाता है। हमको 7वां साल और 10वां साल तक पूछा है, तो 7 के बाद 8, 9, 10 कितना साल, ये गैपिंग कितना साल का है, 3 साल का गैपिंग है। अब क्या करना होगा, 1 साल में 6 से 7 हो जाता है, 3 साल में कितना हो जाएगा, देखिए तो 1 साल में 6 से 7 तक 3 साल में क्या हो जाएगा, 6 के पावर 3 और 7 के पावर कितना, 3। 6 के पावर 3 कितना होता है, 216 होता है, 7 के पावर कितना होता है, 343। तो यहाँ से क्या कर देंगे कि 7वां साल का सी आई और 10वां साल के सी आई के बीच का रेशियो कितना हो जाएगा, 216:343। तो डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को और भी आगे क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। अगर अच्छा लगा हो, अगर कुछ सीखे होंगे नया चीज, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।